अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सितारास किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड, वो भी स्लाइस से। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप यहाँ पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून जितना बटर ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने गार्लिक के क्लॉव्स लिए थे, इसको अच्छे से चॉप कर दिया छोटा छोटा, वो भी डाल दूँगी। और इस पर फिर मैं डालूँगी धनिया, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, धनिया और गार्लिक आप लोगों का बहुत छोटा छोटा कट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तैयार है। अब यहाँ पे मैंने स्लाइस ली थी, इसके मैंने एक स्लाइस में से 2 बीच में इक्वली कट कर लिए थे। तो अब यहाँ पर इसे हम लगा देंगे जो गार्लिक वाला हमने बनाया था। अच्छा, तो इसे दोनों तरफ अच्छे से लगाना है, थोड़ी सी कंजूसी मत करनी है। और आगे पीछे लगा दूंगी मैं भी इसी तरह से। फिर यहाँ पे मैंने चीज़ के ना छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। अब मैं हर ब्रेड के ऊपर चीज़ डाल रही हूँ और फिर इसे हम ओवन में रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पे। और देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।